नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बना रहे हैं एक ऐसा अचार जो 10 से 15 मिनट में ही बनके तैयार हो जाता है। इसके पहले हमने इसका मुरब्बा बनाया था, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप मुरब्बे की लिंक भी ज़रूर देखिएगा। तो आइए इस अचार को हम शुरू करें। ये करौंदे हैं, इनको दो पानी से धो के और अंदर के बीज निकाल लिए और डंडी साफ कर लिए इस तरह। इसमें आज हम मसाले डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, राई की दाल, सरसों की दाल, ये सब एक एक चम्मच लिए है, एक टेबल स्पून, और सौंफ को दरदरी पीस ली है, मेथी दाने पीस लिए हैं, और आधा चम्मच काली मिर्ची है, आधा छोटा चम्मच हींग है, डेढ़ चम्मच नमक है। आइए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में करौंदे डालेंगे। इसमें लाल मिर्च डाल लेते हैं, हल्दी पाउडर, राई की दाल, सरसों की दाल, दरदरी पिसी हुई सौंफ, मेथी दाना दरदरा पिसा हुआ, पिसी हुई काली मिर्च, हींग और नमक। करौंदा खट्टा होता है, इसलिए नमक डेढ़ चम्मच लिया है। आप जितने करौंदे लें उस हिसाब से नमक ले सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ये बहुत इजीली बन जाता है। करौंदे दो तरह के आते हैं, एक लाल और सफ़ेद आते हैं, और ये हरे और लाल वाले हैं। मसाला अच्छे से मिक्स करना है। ये अचार में डालने वाला सरसों का तेल है, इसको गुनगुना करके और फिर ठंडा कर लिया है। यह मैंने दो बड़े चम्मच लिए हैं, इसको अचार में डाल देंगे। पूरी तरह ठंडा हो जाना चाहिए। और फिर अचार को मिक्स कर देंगे। ये हमारा करौंदे का अचार तैयार है। ये दो तीन महीने तक खराब नहीं होता है। अगर आप इसमें प्रिजर्वेटिव डाल दें, सोडियम बेंजोएट भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।